बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहने वाला छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राजू था। वह गांव का सबसे मित्रशील बच्चा था और उसकी मित्रता की कहानी हम आपको सुनाएंगे। राजू की मित्रता की वजह से उसे एक दिन गांव के राजा ने देख लिया। राजा ने राजू के प्यार भरे चेहरे को देखकर उसे राजमहल में बुलवाया। राजमहल में पहुंचकर राजा ने राजू से पूछा, तुम्हारी मित्रता में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना प्यारा बना देती है? राजू ने हंसते हुए कहा, महाराज, मित्रता में सबसे महत्वपूर्ण बात है समर्पण और समझदारी। हमें हमारे मित्र की सुनना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस जवाब ने मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें एक विशेष रत्न देना चाहता हूँ जिसमें एक अद्भुत शक्ति होगी। राजा ने एक रंगीन मणि की ओर इशारा किया और कहा, यह रत्न तुम्हारे जीवन को रंगीन बना देगा, परंतु इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। राजू ने रत्न लेते हुए धन्यवाद कहा, धन्यवाद महाराज, मैं इसे सतर्कता से रखूंगा। राजा ने कहा, इस रत्न का वास्तविक अर्थ तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम अपनी मित्रता की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। राजा के वचनों के बाद राजू ने गांव की ओर प्रवृत्ति की। वह रत्न अपनी जेब में सुरक्षित रखता। वह हमेशा अपने मित्रों की मदद करता और सभी को साथ में रखता। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ और राजा ने सभी बच्चों को एक खेल खेलने के लिए बुलाया। खेल का उद्देश्य था मित्रता को मजबूत बनाना। राजू ने भी खेल में भाग लिया और अपने रत्न की मदद से मुश्किलों को आसानी से पार किया। खेल के अंत में राजा ने राजू को सराहा और कहा, तुमने मित्रता को सही दिशा में बढ़ाया है। तुम्हारा रत्न साबित हुआ है कि सच्ची मित्रता हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है। राजा ने फिर से राजू को रत्न से मिलाकर कहा, इस रत्न का असली फल तुम्हें अब मिलेगा। इसे उचित समय पर और सही कारण के लिए इस्तेमाल करना और मित्रता की रक्षा करना होगा। राजू ने आशीर्वाद लेते हुए कहा, मैं आपका आभारी हूँ महाराज, मैं इस रत्न का सही इस्तेमाल करूँगा और मित्रता की हमेशा रक्षा करूँगा। इसके बाद राजा ने समारोह को समाप्त किया और राजू ने अपने गांव की ओर प्रवृत्ति की, लेकिन उसने यह सीख ली कि मित्रता में समर्पण और समझदारी ही सच्ची दोस्ती की बुनियाद होती है। और इसी रूप में राजू ने अपने जीवन को रंगीनी देने वाले विशेष रत्न का इस्तेमाल करके अपनी मित्रता को मजबूती से निभाया और उसका जीवन आनंदमय और सफल बन गया। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता हमें किसी भी परिस्थिति में सहारा देती है और जीवन को रंगीन बना सकती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।